हाय दोस्तों, सुनने में आया कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम बंद होने वाली है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। क्या दोस्तों, आप लोगों ने भी यही सेम चीज सुनी है? अगर मैं दोस्तों बोलूं कि पेटीएम बंद नहीं होने वाली है 29 फरवरी के बाद, तो आप मुझ पे बिलीव करोगे? झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। जिस तरह से दोस्तों अभी सीमलेसली विदाउट इंटरप्शन पेटीएम के मदद से आप सभी सर्विसेज को यूज कर पाते हो, लाइक आप रिचार्ज कर पाते हो एंड और भी एक्सेप्टर जो भी सर्विसेज है उसे यूज कर पाते हो एंड आगे भी 29 फरवरी के बाद कोई इंटरप्शन के बिना आप पेटीएम को यूज कर पाओगे, तो आप बोलोगे कि सारी दुनिया पागल हो गई जो बोल रही है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम बंद होने वाले है। क्या ये फेक न्यूज दे रहे हैं? वेल दोस्तों, मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि ये जो सभी बता रहे हैं कि पेटीएम बंद होने वाले है ये फेक न्यूज दे रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। एक्चुअल क्या रियलिटी है पेटीएम के पीछे, पेटीएम 29 फरवरी के बाद पेटीएम के साथ क्या होने वाली है, वो सारा चीज दोस्तों मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं ये क्लियर कर दूं कि पेटीएम बंद नहीं होने वाली है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई ने ये कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद किया जाएगा 29 फरवरी के बाद। जिस तरह से दोस्तों आप पेटीएम की मदद से रिचार्ज करते हो, उसी तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक भी एक पेटीएम का सर्विस है जो कि 29 फरवरी के बाद टोटली बंद हो जाएंगे। एंड साथ ही इस पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो भी सर्विसेज आते हैं वो सारे भी सर्विस 29 फरवरी के बाद बंद होने वाले हैं। एंड अगर हाँ, अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नहीं है, तो पेटीएम में जिस तरह से आप पहले एंड अभी यूज कर पा रहे हो, विदाउट कोई इंटरप्शन रिचार्ज कर पा रहे हो, यूपीआई यूज कर पा रहे हो, मनी को सेंड कर पा रहे हो, मनी रिसीव कर पा रहे हो, विदाउट कोई इंटरप्शन आप आगे भी कर पाओगे। जैसे कि आपके पास कोई अकाउंट है, कोई अदर अकाउंट है, लाइक एसबीआई का है, एचडीएफसी का है, आईसीआईसी का, इस तरह का कोई अकाउंट है, उसके साथ आप पेटीएम चला रहे हो, तो विदाउट कोई इंटरप्शन आप आगे भी पेटीएम को यूज कर पाओगे। सो अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती है जो कि 29 फरवरी के बाद बंद होने वाली है। फर्स्ट सर्विस इज सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। जिस तरह से दोस्तों आप किसी और बैंक लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, जिस तरह से उस बैंक में दोस्तों आप सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट खुलवा पाते थे, सेम उसी तरह से दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक भी एक बोल सकते हो बैंक है जो कि हमें सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट प्रोवाइड करती थी, जो कि दोस्तों आप 29 फरवरी के बाद आप उस करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जो भी है आप इन दोनों अकाउंट में, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे। ना ही इन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे, ना ही जमा होंगे। बट टेंशन नहीं लेना दोस्तों, अगर आप बोलोगे कि मेरे पास ऑलरेडी से मेरे अकाउंट में अभी कुछ पैसे पड़े हुए तो कोई टेंशन नहीं। जब तक आपके अकाउंट में वो पैसे पड़े हुए तब तक आपका अकाउंट चलता ही रहेगा, उसे कोई मैटर नहीं है। अगर 29 फरवरी आ जाएगी उसके बाद आपका अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो सब फ्रीज हो जाएंगे, उसे आप निकाल नहीं पाओगे, ऐसा कोई सीन नहीं है दोस्तों। इजिली से जब तक दोस्तों आपके अकाउंट में पैसे पड़े तब तक आप दोस्तों उसे यूज कर सकते हो, अकाउंट से उस अकाउंट से कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो। बट हाँ, 29 तारीख के बाद जैसे ही आप उस अकाउंट में पैसे जमा करने जाओगे तो जमा नहीं होगा। वैसे अभी आप जमा करो उस अकाउंट में पेटीएम पेमेंट बैंक का जो भी सेविंग है या करंट है, अभी अगर पैसे जमा करते हो तो इजिली से पैसे उसमें जमा हो जाएंगे एंड निकल भी जाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं होगा। सो ये बात भी आप अभी क्लियर कर लेना। एंड के बाद सेकेंड जो सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आती है वो है दोस्तों वॉलेट, जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा यूज किया हुआ पेटीएम में। वॉलेट को विदाउट कोई इंटरप्शन आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल करके डायरेक्ट से आप ट्रांसफर कर पाते होते अपने किसी भी अकाउंट में, बहुत सारे चीज आप वॉलेट से बहुत ही इजिली कर पाते थे। बट अब 29 फरवरी के बाद आप दोस्तों इस वॉलेट को सबसे ज्यादा पेटीएम में अगर किसी चीज को आप मिस करोगे तो वो वॉलेट होने वाला है। इस वॉलेट को भी दोस्तों आप 29 फरवरी के बाद यूज नहीं कर पाओगे एंड सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर वॉलेट में आपका पैसा ऑलरेडी से पड़ा हुआ है तो 29 फरवरी तक आप उसमें अभी भी पैसे जमा कर सकते हो, अभी भी ऐड कर सकते हो एंड 29 फरवरी के बाद क्रेडिट नहीं होगा। बट जब तक आपका पैसा पड़ा हुआ है तब तक आप उसे यूज कर सकते हो, बस निकालने के लिए उसमें आप फिर से क्रेडिट नहीं कर सकते हो, बस उससे आप दोस्तों पैसे कहीं भेज सकते हो। एंड थर्ड इज फास्टैग। जिस तरह से दोस्तों अभी पेटीएम का फास्टैग आप लोग यूज कर पा रहे हो अपनी गाड़ी पे, अपने जो भी फोर व्हीलर्स है, अपने जो भी आपके व्हीकल्स है जिसपे आप टोल टैक्स पे पेटीएम का फास्टैग यूज कर पा रहे, तो वो भी आप 29 फरवरी के बाद यूज नहीं कर पाओगे। एंड सेम सारा कॉन्सेप्ट जिसमें वॉलेट जैसे बताया कि पेमेंट कब तक रहेगी, कब तक निकाल सकते हो एंड सेविंग करंट अकाउंट में जो भी फंडा है सारा फंडा दोस्तों इसमें भी है। तो आप जो एक लास्ट बच गया, लास्ट क्या बोल सकता, और भी जो भी एक दो सर्विसेज बच चुके जैसे कि यूपीआई। यूपीआई कहने का मतलब दोस्तों जो भी अभी तो बहुत सारे यूपीआई है, बट पेटीएम का जो स्पेशल @PayTM करके जो भी आपका नंबर था या फिर नाम था एंड लास्ट में @PayTM जो लगती थी, तो उससे भी दोस्तों आप 29 फरवरी के बाद बिल्कुल से भी यूज नहीं कर पाओगे। एंड एक चीज
हाँ दोस्तों, अगर आपका कुछ रिफंड रह गया अभी तक नहीं आया है, आने वाला है कुछ दिनों में, एंड कुछ कैशबैक्स वगैरह है जो भी कि आने वाला है आपके सेविंग एंड करंट अकाउंट में, तो वो भी आ जाएंगे दोस्तों। वो जब तक नहीं आएंगे तब तक दोस्तों आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। जब वो सारा कुछ सेटलमेंट हो जाएगी देन उसके बाद इजिली से आपका अकाउंट प्रॉपरली से बंद हो जाएगा। एंड देन 29th of February के बाद आप कुछ भी, ये भी जो भी 3-4 सर्विसेज मैंने बताया पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर का, वो सारा सर्विसेज को आप यूज नहीं कर पाओगे। आई होप कि जो भी फंडा सा पेटीएम बंद होने वाला अब आपका क्लियर होगा कि आखिर पेटीएम के अंदर क्या क्या बंद होने वाला है, बल्कि पेटीएम बंद नहीं होने वाला है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ अगली बार।